तो यार अगर तुम्हारे दिमाग में कभी सवाल आया हो कि हाउ टू बिकम ए जीनियस, तो आज का स्टोरी इसी सवाल का जवाब देगा तुम्हें कि हाउ टू बिकम ए रियल जीनियस, ना कि वो सो कॉल्ड जीनियस जो दूसरों को दिखाने के लिए होता है। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने बहुत ही कम उम्र पे कई सारी चीजों को अचीव किया और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाया एक चीज की वजह से। वो बंदा था बहुत ही ज्यादा क्यूरियस, उसे चीजों को जानना समझना सीखना पसंद था और इसी चीज ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। हम बात करेंगे आज रिचर्ड एब्राइट के बारे में, बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट वो चीज़ें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर पोते। तो इस कहानी को लिखा था रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। इस कहानी का शुरुआत होता तब जब हमारे रिचर्ड भाई बस 22 का ही था, तुम समझ ले एक कॉलेज जाने वाला लड़का बिल्कुल मेरे ही एज का। बट यार इसी उम्र में उसने एक ऐसा थ्योरी दे दिया था जो कि बता रहा था कि कैसे सेल काम करता है। अब देखो कोई भी खबर जो होता है वो कहाँ छपता है, न्यूज़पेपर में राइट। उसी तरीके से अगर कोई नया साइंटिफिक आइडिया होता है ना वो छपता है एक साइंटिफिक जर्नल के अंदर में। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक कॉलेज स्टूडेंट का जो साइंटिफिक वर्क है ना वो इस साइंटिफिक जर्नल के अंदर में छपने वाला था। ये बहुत बड़ा बात था क्योंकि इस बंदे ने एक नया थ्योरी दिया था कि हाउ सेल्स वर्क, जो कि एक बहुत बड़ा बात है यार एक कॉलेज आने वाला स्टूडेंट जिसने इतना बड़ा थ्योरी दे दिया था। बट इन सारी चीज़ों का शुरुआत होता है छोटी छोटी चीज़ों से। यार तुमने कहते हुए सुना होगा हर बड़ी चीज़ का शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से ही होता है और यहाँ भी बिल्कुल वही था। हमारे रिचर्ड ब्राइट को ना बचपन से ही कलेक्ट करने का शौक था चीज़ों को, स्पेशली जो बटरफ्लाईज है, और इसी बटरफ्लाई को स्टडी करने का जो उसके चाहत ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। अब देखो रिचर्ड एब्राइट अपने घर का एक लौता लड़का था जो रहते थे रीडिंग पेंसिल्वेनिया में। देखो रिचर्ड एब्राइट जो है हमारा भाई वो बचपन में ना किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं था, चाहे तुम बात कर लो फुटबॉल का तुम बात कर लो बेसबॉल का। बट हाँ उसे एक चीज़ करने का शौक था, वो इस चीज़ों को कलेक्ट करने का, स्पेशली जो बटरफ्लाइज होते हैं उन्हें कलेक्ट करने का। बटरफ्लाइज के अलावा भी वो कलेक्ट करता था रॉक्स फॉसिल फ्यूल और कॉइन्स को, और रातों को जाके आसमान में स्टार्स को ऑब्जर्व करना भी उसका एक शौक था। अब तुम देखो ये एक निशानी होता है क्यूरियस बच्चे का, ठीक है, और शायद इसी क्यूरियोसिटी ने उसे एक महान साइंटिस्ट बनाया। और तुमने ये कहते तो सुना होगा यार हर एक महान इंसान के पीछे किसी औरत का हाथ होता है राइट। अब हमारे रिचर्ड एब्राइट के साथ भी था, उसका जो मॉम था ना वो उसे काफ़ी सपोर्ट करता था, इनक्रेज करता था ऐसे साइंटिफिक चीज़ों को जानने के लिए समझने के लिए, जिससे कि उसके अंदर का जो क्यूरियोसिटी है और भी बाहर निकले। और इस चीज़ के लिए उसकी मॉम उसे हर चीज़ लाके दिया करती थी, चाहे माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, ताकि उसका बेटा हमेशा चीज़ों को सीखता रहे समझता रहे। और भाई एक तरफ हमारी मॉम है यार, मैंने ना यार बस 3 लाख का गेमिंग पीसी मांगा था ताकि मैं स्टडी कर सकूँ उस पर, बट नहीं दिया यार मेरे मॉम ने। अब देखो नतीजा ये है कि मैं आज YouTube पे वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मुझे दे दिया होता ना तो आज मैं कैरिमिनाटी की तरह एक लाइव स्ट्रीम चला रहा होता गेमिंग चैनल खोल के, देख रहे हो। अब क्या करें इंडियन मॉम तो ऐसे ही होते हैं। खैर काश मॉम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी भी समय है, एक 3-4 लाख का पीसी खरीद के दे दो मुझे, क्या पता मैं भी साइंटिस्ट बन जाऊँ। अब देखो जब हमारा भाई रिचर्ड बस क्लास 3 पे था ना तभी उसका फादर का डेथ हो गया था, और उसके बाद से उसके मॉम के लिए रिचर्ड ही पूरा दुनिया था। तो रिचर्ड को जो भी चीज़ें चाहिए होता था वो सब कुछ दिया करती थी उसे, फुल सपोर्ट दिया करती थी यार। और रिचर्ड भी हमारा कम नहीं था, उसने बस क्लास 2 में ना उसके होम टाउन के अंदर में टोटल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज पाया जाता था, उन सारे बटरफ्लाइज को उसने कलेक्ट कर लिया था। और उसके बाद उसे लगा था कि यार मैंने तो सब कुछ कर ही लिया है कलेक्ट, अब आगे क्या करना है। उसने सोचा कि अब मुझे ये छोड़ना पड़ेगा बटरफ्लाई कलेक्शन का जो भी हॉबी है। बट यार रुको, उसकी मॉम ने उसे एक ऐसा किताब गिफ्ट किया जिसने उसका जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल दिया तुम कह सकते हो। जो बटरफ्लाईज के ऊपर जो एक उसका इंटरेस्ट है ना और बढ़ गया इस किताब के आने के बाद। इस किताब का नाम था द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स, याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब के अंदर में बताया गया था कि एक बटरफ्लाई है खास तरीके का जिसे कहते हैं मोनार्क बटरफ्लाई। अब ये बटरफ्लाई किस तरीके से माइग्रेट करता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर पे, ये चीज़ें इस किताब के अंदर में बताया गया था। और इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे रिचर्ड के लिए एक नया साइंटिफिक दुनिया का शुरुआत होता है, जहाँ इस किताब के आखिरी में जितने भी रीडर्स ने इस किताब को पढ़ा था ना उन लोगों को इनवाइट किया गया था कि वो आके मदद करे कि किस तरीके से जो बटरफ्लाई माइग्रेट करते हैं उसके स्टडी में। अभी जो पूरा स्टडी है कि कैसे बटरफ्लाई माइग्रेट कर रहे थे ये चल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के अंदर में, जहाँ एक प्रोफेसर डॉक्टर फेडरिक ए अर्कट ने लोगों को कह रखा था कि आपको क्या करना है बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना वहाँ में एक टैग लगाना है और उसे छोड़ देना है और देखना है ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंदर में। अब ये चीज़
रिचर्ड ने भी करना स्टार्ट कर दिया और रिचर्ड ने बहुत स्मार्टली किया इस चीज को, ठीक है। उसने क्या किया, एक मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ा और उसके अंडों को अपने घर पे लेके आया। उन अंडों को उसने अपने बेसमेंट में लेके आकर ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से जो बटरफ्लाई होते हैं उनका लाइफ साइकिल चलता है। अब देखो, मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता हूँ कि किस तरीके से जो बटरफ्लाइज का लाइफ साइकिल चलता है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हें बटरफ्लाइज के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिलेगा। तो अगर तुम्हें बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल के बारे में पता नहीं होगा ना, तो तुम कन्फ्यूज़ हो गए आगे, ठीक है। अब पहले तो अंडे से शुरुआत होता है और अंडे से निकलता है कैटरपिलर और फिर आता है प्यूपा और आखिर में आता है जो एडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है। अब हमारे रिचर्ड भाई ने क्या करना शुरू कर दिया, ये पूरा लाइफ साइकिल वो ऑब्जर्व किया और जैसे ही जो पूरा लाइफ साइकिल के एंड में आके जो बटरफ्लाई बनता है उसके पंखों पे उसने जो टैग लगाया और उन्हें उड़ा दिया। और ऐसे कुछ साल बीतते हैं और उसका जो पूरा बेसमेंट है ना, वहाँ पे अब तितलियाँ ही तितलियाँ भरे हुए थे। उसने सारे बटरफ्लाइज को आज़ाद कर दिया और अब इस इंतज़ार में था कि कैसे वो ऑब्जर्व करेगा कि बटरफ्लाइज किस तरीके से माइग्रेट करते हैं। बट यार, दुख की बात ये थी कि वो जो स्टडी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया और जिस चीज़ के वजह से रिचर्ड का जो इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज़ के ऊपर वो ख़त्म हो चुका था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था सुनो, कि उसने इतने सारे बटरफ्लाइज़ को छोड़ा था बट उसे सिर्फ दो ही बटरफ्लाइज़ मिले थे जिसमें टैग लगा हुआ था, बाकी सबका कोई अता पता था नहीं। और दो जो बटरफ्लाइज़ मिले थे ना, उन्होंने भी बस 75 माइल्स ही ट्रैवल किया था जहाँ रिचर्ड का घर था ना वहाँ से। ये जो फीडबैक था ना, इससे रिचर्ड बिल्कुल खुश नहीं था। जो स्टडी था वो उसका बिल्कुल ही फेल हो रहा था और इसके वजह से उसका जो इंटरेस्ट है बटरफ्लाइज को समझने में, सीखने में, वो ख़त्म हो रहा था। अब जब हमारा रिचर्ड भाई क्लास 7 में पहुंचता है ना, तब वो पार्टिसिपेट करता है साइंस फेयर के अंदर में। अब जिन्हें ये नहीं पता कि साइंस फेयर क्या होता है, तुम सुनो, एक तरीके से मेला होता है जहां में तुम बस क्या करते हो, जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट होता है उसे शो करते हो, दिखाते हो अपने टीचर्स को, ठीक है। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। अगर तुम यार बीकेवी वाले हो ना, तो तुम तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने और मेरे दोस्तों ने ऐसे एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था जहां में हमारा मॉडल था कि एक वोल्केनो बनाना है और कैसे लावा वोल्केनो से निकलता है वो मॉडल बना के दिखाना। सो हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, लगभग 15 डेज लगा के। और जिस दिन साइंस फेयर का टाइम आता है, जब टीचर्स को दिखाना होता है कि कैसे हमने वोल्केनो निकाला, यानी कि लावा निकाला उस वोल्केनो से, हमारा मॉडल पूरी तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। हमने कई बार ट्राई करके देखा था, लावा निकाल के देखा था वहां से, बट जैसे टीचर वेरीफाई करने के लिए आते हैं ना, हम कोशिश कर रहे थे कि लावा निकल जाए, बट यार वहां से लावा निकल ही नहीं रहा था और भाई हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। जैसे टीचर चले गए उसके बाद साला ये वोल्केनो से लावा निकला, बट क्या फ़ायदा था, उस समय हमें आउट कर दिया था उस फेयर से। बट तुम समझ गए यार साइंस फेयर क्या होता है, जहाँ में तुम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिखाते हो करके। अब ऐसा ही कुछ होता हमारे रिचर्ड भाई के साथ, ठीक है। उसने क्या किया, जो एक फ्रॉग होता है उसका टिशू को एक स्लाइड बना के जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें दिखाया कि देखो फ्रॉग का टिशू कुछ ऐसा होता है, जिस वजह से उसे कोई प्राइज़ नहीं मिलता, वो हार जाता है वो साइंस फेयर कंपटीशन, ठीक है। बट देखो, कहते हैं ना, जब तुम हारते हो तभी तुम सीखते हो। अब ये जो कंपटीशन है वो हारने के बाद रिचर्ड ने एक बात समझा कि इस तरीके से स्लाइड बना के ये साइंस फेयर कंपटीशन को मैं नहीं जीत सकता, अगर मुझे ये जीतना है तो मुझे रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे तो करे क्या, रिचर्ड भाई को तो बस एक ही चीज़ के बारे में आइडिया था, इंसेक्ट के बारे में और स्पेशली बटरफ्लाइज के बारे में। तो उसने ना इन बटरफ्लाइज के बारे में ही ओपिनियन मांगा। वो जो एक साइंटिस्ट था ना जो बटरफ्लाई माइग्रेशन के ऊपर स्टडी कर रहा था, डॉक्टर फेडरिक अर्कट, उसे एक लेटर लिखा और पूछा अपने आइडियाज़ के बारे में कि बटरफ्लाइज के ऊपर कैसे स्टडी करना है, नहीं करना है। और जिसके जवाब में डॉक्टर फेडरिक ने भी बताया उसे कि आगे तुम्हें क्या करना है, नहीं करना है, ताकि तुम अपने जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है उसे कंटिन्यू रख पाओ। अब देखो, ये वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारे रिचर्ड भाई का एक साइंटिफिक जर्नी का शुरुआत होता है। अब यहाँ में ना CBSE वाले कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट भाई थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था, उनका एक लिस्ट बताओ। तो अब मैं वन बाय वन तुम्हें एक लिस्ट बताते जाऊंगा, तुम बस कई किताब विताब है तो लिख लो यार उन्हें। जब वो क्लास 8 में थे तो उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ था कि पता करना था एक बीमारी जिसके वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर रहे थे, ठीक है। अब इस बीमारी के पीछे का कारण क्या था। अब देखो, मानना ये था कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर मर रहे थे ना इस बीमारी से, इसका कारण था एक कीड़ा जिसे कहते हैं बीटल, ठीक है। इस तरीके का होता है, तुमने देखा होगा अजीब सा साउंड निकालता है। अब ये चीज़ तो साइंटिफिकली प्रूव करना होगा ना। अब हमारे भाई ने क्या किया, एक बीटल लिया और एक मोनार्क कैटरपिलर लिया और मोनार्क कैटरपिलर को बीटल के प्रेजेंस में बड़ा किया। अब जब उन्होंने ऐसा किया ना, उन्हें कोई खास रिजल्ट नहीं मिला कि एग्जैक्टली उस बीमारी का पीछे कारण क्या है, नहीं है। बट जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो काउंटी साइंस फेयर में दिखाया, तो वो प्राइज जीत गए इस बार यार, क्योंकि इस बार एक
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, हालांकि वो एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं था, बट एटलीस्ट कोशिश किया उन्होंने, तो वो जीते यार। अब अगले साल क्लास 9th पे हमारे भाई को मिलता है अगला प्रोजेक्ट साइंस फेयर के लिए, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट ये था कि उन्हें टेस्ट करना था एक थ्योरी कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो कॉपी करता है मोनार्क बटरफ्लाई को। देखो उसमें मानना ये था कि जो बर्ड होते हैं ना वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते क्योंकि वो खाने में इतना टेस्टी नहीं होता यार, जबकि जो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई थे ना वो यार बर्ड्स के एकदम पसंदीदा खाना था। तो वो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई थे ना वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी कर रहे थे ताकि वो चिड़ियों का खाना ना बने। यार किसको पसंद है यार दूसरों का खाना बनना, है ना, हमें नहीं पसंद होता है दूसरों का खाना बनना, राइट। अब देखो स्पेसिफिकली बताओ तो हमारे भाई का काम ये था ये टेस्ट करना कि मोनार्क बटरफ्लाई को बर्ड खाते हैं या नहीं खाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टी नहीं होता है तो बर्ड नहीं खाते हैं। अब उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पाया कि जो स्टारलिंग बर्ड होते हैं ना वो ऐसे बर्ड होते हैं, उन्हें अगर मोनार्क बटरफ्लाई मिल जाए ना खाने तो वो जो बर्ड का जो नॉर्मल खाना होता है वो नहीं खा के बस मोनार्क बटरफ्लाई खाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि ऐसा नहीं है कि बर्ड जो होते हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाते, स्पेशली जो ये स्टारलिंग बर्ड है ना ये तो बस मोनार्क बटरफ्लाई को ही खाना चाहता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गया था कि ठीक है मोनार्क बटरफ्लाई को जो ये वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी करते हैं, बट कॉपी करने का रीज़न ये नहीं है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो टेस्टी नहीं होता है और वाइसरॉय बटरफ्लाई जो टेस्टी होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को दिखाने के बाद साइंस फेयर में लिटरली उसका भाईसा बल्ले बल्ले हो जाता है, जियोलॉजी डिवीजन में उसे मिलता है फर्स्ट प्लेस और जो ओवरऑल साइंस फेयर में मिलता है उसे तीसरा पोजीशन। देख रहे हो भाई साहब का इम्प्रूवमेंट, तो पहला जो साइंस फेयर था उसमें उसे कुछ नहीं मिला, दूसरे में वो जीते और तीसरे में तो भाई साहब का बल्ले बल्ले था। अब आगे देखो और भी कुछ होने वाला था, ठीक है। एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, ये क्या है तो मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो? हाँ मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में, जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना वो सिंगल ही मरा है, मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अब यही चीज़ें होता है ठीक है, एक क्यूरियस इंसान के पीछे का राज, वो लगातार नई नई चीज़ें करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, अपना जो वीक पॉइंट है ना उसके ऊपर काम करता है और उसे अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाता है, राइट। तो अगर अभी तक तुमने ये चीज़ें करना शुरू नहीं किया ना तो करना शुरू कर दो अगर तुम्हें बनना है रियल जीनियस, ठीक है। हम बढ़ते आगे स्टोरी पे। देखो अभी तक तुमने हमारे भाई के दो कारनामे देखे, पहला एक बीमारी जिसके वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर थे वो मर रहे थे, उसका पीछे क्या राज है नहीं है वो पता करने की कोशिश किया, फिर दूसरा मोनार्क बटरफ्लाई और वाइसरॉय बटरफ्लाई में क्या डिफरेंस था वो पता करने की कोशिश किया। अब आता है हाई स्कूल का सेकेंड ईयर, जहाँ हमारे भाई ने एक नया हार्मोन जो होता है इंसेक्ट के ऊपर में उसका डिस्कवरी कर लिया था। देखो सीन क्या था मैं बता रहा हूँ तुम्हें डिटेल में, जो बटरफ्लाईज के अंदर में तीसरा स्टेज होता है प्यूपा, ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। अब ऐसे ही एक मोनार्क प्यूपा के अंदर जो 12 गोल्डन स्पॉट ऐसे ऐसे दिखते थे, ठीक है। अब लोगों का ये मानना था कि ये जो गोल्डन स्पॉट दिख रहे हैं ना ये बस ऐसे ही है, ठीक है, बस दिखने के लिए दिखावा के लिए, बट डॉक्टर फ्रेडरिक अर्कट का ऐसा नहीं मानना था, ठीक है। अब देखो वो तो थे हमारे भाई के गुरुजी, पहले से सपोर्ट करते आ रहे थे, अब उनका नहीं मानना था तो इसके ऊपर उन्होंने डीप रिसर्च किया और उसके बाद हमारे भाई को पता चला कि ये जो 12 गोल्डन स्पॉट है ना ये प्रोड्यूस करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिससे जो बटरफ्लाइज का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। अब देखो ये तो कोई छोटा मोटा चीज़ पता नहीं कर लिया था, ठीक है, एक ऐसा हार्मोन जिसके वजह से पूरा बटरफ्लाई कैसे ग्रो होते हैं बड़े होते हैं वो पता कर लिया था भाई ने, तो बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था, ठीक है। अब फिर होना क्या था, पूरे साइंस फेयर के अंदर में हल्ला हो गया, भाई आ गया फिर से फर्स्ट प्लेस पे, और साथ ही साथ हमारे भाई को इस बार मौका मिलता है एंट्री करने का इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर में। अब इस इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी आके भाई ने अपना जो प्रोजेक्ट वर्क था कि जो एक नया हार्मोन का डिस्कवरी करके दिखाया था, जब उसे दिखाया तीसरा प्लेस पे आता है जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसके वजह से हमारे भाई को मौका मिलता है काम करने का एक बहुत ही फेमस लेबॉर्ट्री में जिसका नाम था एंटोमोलॉजी लेबॉर्ट्री एट द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तुम इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम्हें समझो कि एक आर्मी लेबॉर्ट्री के अंदर में काम करने का मौका मिलता है, भाई ये बहुत ही बड़ा चीज़ होता है नहीं एक आम स्टूडेंट के लिए जो एक आर्मी लेबॉर्ट्री में जाके काम करने का मौका मिल रहा है। खैर फिर हमारे भाई ने जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना मोनार्क प्यूपा के ऊपर वो कंटिन्यू रखा, जिसके वजह से अब इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर में भाई को मिलता है पहला प्राइज। देख रहे हो
कैसे इम्प्रूवमेंट ला रहा है भाई हमारा। और इसके वजह से दोबारा भाई को मौका मिलता है उसी आर्मी लेबोरेटरी के अंदर में काम करने का। अब फिर आता है हाई स्कूल का फाइनल ईयर या तुम कह लो सीनियर ईयर्स पे, ठीक है। उसने अपना कंटिन्यू रखा जो मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च। अब इस बार क्या कर रहा था वो, जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो विंग होता है ना उससे एक नया सेल को ग्रो कर रहा था वो। एग्जैक्टली क्या हो रहा था देखो, उसने मोनार्क बटरफ्लाई का एक सेल लिया और उसमें वो जो खास तरीके का हार्मोन था ना जो कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स से निकलता था, उस हार्मोन को उस सेल के अंदर में डाला। और जैसे ही डाला ना तो वो सेल डेवलप होता है और डिवाइड होता है और बनता है एक कंप्लीट विंग बटरफ्लाई का, ठीक है। अब बहुत बड़ा चीज था, ठीक है। भाई ने क्या किया, एक सेल को पूरा पूरा एक मोनार्क बटरफ्लाई का विंग बना दिया बस एक हार्मोन की मदद से, जिससे बात क्लियर था जो वो पहले भी प्रूव कर चुका था कि यही हार्मोन है जिससे बटरफ्लाई जो होता है वो फुल्ली ग्रो होता है। और उसने अब प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया था, जो मोनार्क बटरफ्लाई का सेल था उसमें वो हार्मोन को डाल के फीड करवाया और वो जो सेल था वो पूरी तरीके से एक बटरफ्लाई का विंग बनता है। अब ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, अब होना क्या था भाई, फिर से मिलता है फर्स्ट प्लेस जूलॉजी इंटरनेशनल फेयर के अंदर में, ठीक है। अब इसी बीच हमारे भाई का ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है और छुट्टी जो समर का होता है उसमें वो काम करने लगता है जो वही मिलिट्री लेबोरेटरी था उसके अंदर में, और लेबोरेटरी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। अब अपना ग्रेजुएशन तो उसने कंप्लीट कर लिया था, अब दुनिया का सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन होता है। अब पहले ही साल वो काम करना शुरू करता है वही लेबोरेटरी के अंदर में, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाले। अब यहाँ में क्या करता है वो जो स्टडी कर रहा था हार्मोन के ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई का, इधर में ये जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थे ना इसके मदद से उसने पता कर लिया था उस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा था। अब इससे पहले उसे पता था कि हार्मोन का काम क्या होता है, अब इस लेबोरेटरी के टेक्नोलॉजी की मदद से उसने वो जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी पता कर लिया था। अब कुछ दिन बीतते हैं और लगातार उसके ऊपर वो काम करते जा रहा था, जिसके बाद उसे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है जिसके बाद तो भाई साहब सब कुछ पलट जाता है। होता क्या, देखो भाई हमारा क्या कर रहा था, उस हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसका एक्सरे कॉपी को देख रहा था ना, जिससे उसे एक आइडिया मिलता है नए थ्योरी के बारे में सेल लाइफ के ऊपर। देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा था, जब उस फोटोकॉपी को उसने देखा ना जो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर का, तो उसने ऑब्जर्व किया जो ये सेल है ना इसके अंदर जो DNA है, इस DNA का ब्लूप्रिंट को एग्जैक्टली रीड कर रहा था सेल जो। अब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताने वाला, बस इतना जान लो कि सेल के अंदर में DNA होता है और DNA में तुम्हारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ होता है। अब DNA कॉपी होता है तभी तुम बन पाते हो, ठीक है। अब ऐसा कुछ यह हो रहा था, मैं और डिटेल में नहीं बता रहा, ज़्यादा जानना है तो तुम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को देख सकते हो जाके। जो भी हो, इस चीज़ से उसने पता कर लिया था एक नया थ्योरी सेल लाइफ के ऊपर, ठीक है। अब देखो उसने एक नया थ्योरी के बारे में पता तो कर लिया था, बट साइंस में ऐसा होता है ना, तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाना होता है, प्रूव करना होता है, जिसकी वजह से वो और उसका जो कॉलेज का रूममेट था ना वो रात भर जाग जाग के काम करना शुरू कर दिया। उस आइडिया के ऊपर ड्राइंग्स बनाया, मॉलिकुलर प्लास्टिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया ताकि लोगों को दिखा पाए कि एग्जैक्टली सीन जो क्या है, एक्सप्लेन कर पाए। और आखिर में उन्होंने एक पेपर में पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे सेल लाइफ काम करता है नहीं करता है, उसका जो थ्योरी था वो पूरा उस पेपर में लिखा। और भाई साहब अब तुम समझ रहे हो ना, अगर ये जो थ्योरी दिया था उसने वो अगर सही साबित हो जाता है ना तो बहुत कुछ बदलने वाला था। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप बन सकता था जो लाइफ प्रोसेस को हम समझते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में। कई सारे बीमारियों को हम रोक सकते थे, लाइक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों तो कम इस जो फाइंडिंग थ्योरी था इसके मदद से रोक सकते थे। अब देखो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रहा था बिकॉज हमारा रिचर्ड एब्राइट जो था एक क्यूरियस माइंड वाला इंसान था, राइट। और इन सारे चीज़ों का शुरुआत होता है जब वो छोटा था, एक क्यूरियस छोटा सा बच्चा जिसे बस बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का शौक था। और उसके शौक ने उसे पहले बटरफ्लाइज को स्टडी करने में मदद किया, फिर उसने एक हार्मोन का डिस्कवरी किया जो कि बटरफ्लाइज के ग्रोथ में मदद करता है। और आखिर में इसी हार्मोन को स्टडी करते 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 उसने पूरा लाइफ सेल को ही समझ लिया कि कैसे काम करता है, चाहे अब इंसानों का हो या बटरफ्लाइज का हो। तो देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े चीज़ें होते हैं। अगर हमारे भाई को बचपन से ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने में शौक नहीं होता तो शायद आज वो एक महान साइंटिस्ट नहीं बन पाता, नहीं तो यार अगर तुम्हारे भी कुछ छोटे मोटे शौक है ना तो उसे पूरा करो, क्या पता कल तुम उसके ऊपर कुछ महान चीज़ें कर दो। अपना हॉबी अपना पैशन को फॉलो करो यार। जैसे देखो इस स्टोरी में बताया गया है, माना कि बचपन से ही जो हमारे भाई को
बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का शौक था, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि और कुछ भी नहीं करता था, ठीक है, कई और चीज़ों को भी उसने एक्सप्लोर किया। वो बहुत ही अच्छा एक पब्लिक स्पीकर था, डिबेट करता था, एक आउटडोर पर्सन था यार, बाहर घूमना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, फोटोग्राफी, हर चीज़ में वो इंटरेस्टेड था यार, समझ रहे हो। एक जीनियस इंसान वो नहीं होता जो एक चीज़ में बस लगा रहता है, परा रहता है, ठीक है। तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। जब ऐसे कर रहे होगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा किसी एक चीज़ में और बस उस चीज़ के ऊपर पकड़ लो भाई, वही तुम्हारा ज़िंदगी होना चाहिए, वही तुम्हारा पैशन होना चाहिए। और इसी तरीके से तुम भी बन सकते हो एक जीनियस या फिर तुम एक ग्रेट कुछ भी, ठीक है। साइंटिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है, इस केस में साइंटिस्ट बन रहा हमारा भाई। अब देखो लगभग हमारा स्टोरी अब खत्म हो चुका है, आखिरी दो चीज़ें हैं। देखो हमारे रिचर्ड भाई का जो सोशल स्टडी का टीचर था ना, जिनका नाम भी रिचर्ड है, वेहरर था, आई नो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा यार, तुम लोग को अगर सही से आ रहा है तो कर लो, बट जो भी हो, सोशल स्टडी के टीचर ने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, याद रख लेना ये बात कि हमारा रिचर्ड ना जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था, ठीक है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से करने में इंटरेस्टेड था और इसीलिए वो चीज़ों को जीतता था। उनके टीचर ने देखा बहुत ही गहरा बात यह है, ठीक है, जीत के पीछे मत भागो, तुम बस अपना बेस्ट दो, चीज़ों को अच्छी तरीके से करो, जीत तो तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा यार। ये यार सोशल स्टडी वाले टीचर इतना इंटेलेक्चुअल कैसे हो जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता। काश मैथ्स वाले टीचर भी ऐसे ही होते कूल, नहीं खैर ये बात नहीं करते हैं। आखिर में इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए तुम्हें। तो फास्ट रेट माइंड यानी कि तेज दिमाग, दूसरा तुम्हारे अंदर में होना चाहिए क्यूरियोसिटी, और आखिरी चीज़ों को जीतने का एक सही रीज़न होना चाहिए तुम्हारे पास, राइट रीज़न फॉर द विन। बहुत ही डेप वाला चीज़ का है, अपने लिए मत जीतो, लोगों के लिए जीतो, जैसे यहाँ पे हमारे रिचर्ड भाई ने किया। कभी भी कंपटीशन को जीतने के लिए उसने नहीं किया चीज़ें, उसे बस करना था, किया उसने और वो जीतता चला गया। तो कुल मिला के बात ये कि अगर तुम हमारे भाई रिचर्ड एब्राइट की तरह बनना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास तीन चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। हमारा भाई महान इसलिए था, इतना अच्छा साइंटिस्ट इसलिए बन पाया, पहला चीज़ तो एक बहुत ही अच्छा कलेक्टर था। क्या कलेक्ट करता था वो? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था, नहीं नॉलेज को, ठीक है। शुरुआत से देखो वो एक नॉलेज कलेक्टर था, पहले बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया, अलग अलग चीज़ों को ढूंढता चला गया, सीखता चला गया, यही एक निशानी होती है। और दूसरा उसने अपने जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसे कभी खोने नहीं दिया, उसने कभी खोया नहीं उस चीज़ को, बचपन से लेके बड़े होने तक उस क्यूरियोसिटी को बचा के रख पाया। और आखिरी चीज़ वो किताब जो कि उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, इसने भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो यार उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आया होगा। देखो यहाँ में ना इतने डेप पे मत जाना, जो उसने अलग अलग प्रोजेक्ट में जीता था ये नहीं जीता था वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड पे वो पूछता है, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन तुम्हें एक बार पूरा समराइज कर देता हूँ ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो। सो लाइक जब वो क्लास 8 पे था तो एक बीमारी की वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर मर रहे थे उस बीमारी के बारे में उसने पता किया था। उसके बाद क्लास 9th पे उसने जो वाइसरॉय बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई के बीच में डिफरेंस को पता करने की कोशिश किया था। फिर उसने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर पे एक नया इंसेक्ट हार्मोन का डिस्कवरी किया था और जिसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। और जैसे ही उसका एडमिशन होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तब उसने वो जो हार्मोन था उसका केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता किया और उसके बाद उस केमिकल स्ट्रक्चर से उसने एक थ्योरी दिया सेल लाइफ के ऊपर, ठीक है, याद रख लेना ये चीज़ें। तो ठीक है यार, कदम होता है यहाँ पे ये चैप्टर। जो नोट्स होगा वो मैं तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा नीचे, वहाँ देख लेना तुम। एंड देन अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसा एनिमेटेड कंटेंट बना के दे रहा हूँ मैं तुम्हें, वो भी एग्ज़ाम के इतने कम समय में, कोशिश कर रहा हूँ, रात के 4 बज रहा है अभी, जग जग के तुम लोग के लिए काम कर रहा हूँ। तो यार इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए, नहीं सब्सक्राइब कर दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ शेयर कर लो एंड लाइक कर दो। ठीक है यार, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहाँ हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहाँ तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियो से हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पर दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पर वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है अच्छा या बुरा टाइप करके भेज देना है, क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हम स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना ही कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।
कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।